मैं सर आर्मी फायरमैन 19 यू आर्मी से हूँ। तो मैं नीचे आया तो हमने पूरी कार्रवाई, हम दूसरा फायरमैन था मेरे साथ, हमने पूरी कार्रवाई पहले खुद ही की, फिर सर सिविल फायर ब्रिगेड आया तो हमने आग पर पूरा कंट्रोल कर रखा था। तो तब तो कैसे आग लगी, क्या हो रहा था? हो रहे थे सर, ये म्यूनसिपल वालों ने एक कचरा जलाया था, तो उसके जलाने से अब आग अंदर भी फैल गई सर, पूरे इस कॉरिडोर में सर। तो सो पेशेंट वेशेंट सभी महफूज है? सर पेशेंट सभी महफूज है, पूरे निकाल दिया सर, डॉक्टर साहब ने पूरे निकाल। तो हमने आग पर तहसील पाटन डिस्ट्रिक्ट मेरा बारामूला पड़ता है, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ फायर सर्विस में, फायर एंड एमरजेंसी में। यहाँ पे मेडिकल चेकअप के लिए और जितने भी बंदे थे यहाँ पे इवैक्यूएट कर रहे थे सर, सी बात है, ये जितने बंदे उनको निकाल रहे थे, हमने ग्लासेस तोड़े ताकि धुआं जो है बाहर चला जाए, फैले ना। इसके बाद हमने क्या किया सर, ये जो सर हमारे साथ थे ये कचरा खींच रहे थे, बाहर कर रहे थे ताकि आग और नहीं बढ़ के। और हमारा जो नेक्स्ट एक्शन था इसको हमने खोलना था, हाइड्रेंट जो यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे हमने हाइड्रेंट चेक किया हाइड्रेंट में पानी आ रहा था, तो हमने यहाँ से निकालने की कोशिश की, होज गायब था सर, यहाँ पे होज नहीं था और इस वजह से इतनी आग भड़क गई। फिर हमने क्या किया, बाल्टियाँ जो डस्टबिन पड़े हैं यहाँ पे, डस्टबिन को फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरह यूज़ किया, उनमें पानी भर भर के हमने इस पर मारते रहे जब तक कि फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका और बहुत सारी जाने खतरे में थी सर, इतनी सारी इवैक्यूएशन हुई पूरी बिल्डिंग में, दुआ फैल गया। हाँ सर जी, हम सिक्योरिटी के हैं, सिक्योरिटी और जीएनसी। तो जैसे ही हमने धुआं देखा, फिर गेट से एंटर किया, धुआं देखा तो मैं भागा उधर को, तब तक सब बंदे भागे इधर को, तो आग बहुत लगी हुई थी, बहुत बेहद आग लगी थी, यानी कि यहाँ वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल था। फिर भी जो हमारे जवान थे ये सिक्योरिटी गार्ड के, ये समझ में नहीं आया सर ये कैसे लगी आग, ये सब हमारे ये सिक्योरिटी के अगर सर जवान नहीं होते तो शायद ये आग बुझनी नामुमकिन था, क्योंकि फायर सर्विस इतना लेट था कि शायद ये आग नहीं बुझेगी। फिर उसके बाद हमने जितने पेशेंट थे उनको बाहर किया, सबको तीन वार्ड सब वार्ड खाली कराए ताकि किसी को कोई जान हमारी नुकसान ना हो, तो उनके बाद सब बाहर हो गए पेट के। तो फिर हम फिर लगे आग के पीछे दौड़ने आग बुझाने के लिए। ये एक यहाँ पर जो लाइव वायर गुजरती है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन एरिया है जीएमसी का पीछे चल रहा है, तो वहाँ पर वो जो एक प्लाईवुड का पार्टीशन है तो उसके साथ वो शॉर्ट सर्किट करके उसने आग पकड़ी थी, बट एक छोटा सा इंसिडेंट था जो 5-7 मिनट में उसको कवर किया गया, कोई डैमेज नहीं हुआ और किसी का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। नहीं, ये एक्चुअली वो वायर जब प्लाईवुड शीट नीचे गिर गया तो नीचे उधर वो तो वो बेड था, एक दो बेड उसका वो बेड का जो मैट्रेस है वो जल गया।